एमपी विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का भोपाल में शक्ति प्रदर्शन के लिए बुलाया गया सम्मेलन खास कमाल नहीं कर पाया। मंगलवार को जम्बूरी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ में बीजेपी 10 लाख कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने के साथ दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन का दावा कर रही थी, लेकिन बीजेपी के इन दावों की SC ST एक्ट में संशोधन को लेकर हो रहे विरोध ने हवा निकाल कर रख दी। इस सम्मेलन को PM नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही CM शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में बीजेपी के दावे की आधी संख्या में भी कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, वहीं बीजेपी 6.5 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा कर रही है। तो इधर पुलिस सूत्रों की माने तो 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। कांग्रेस ने इस सम्मेलन को फ्लॉप बताते हुए ठगों का सम्मेलन करार दिया है। आज का ये फ्लॉप शो पूरी तरह से प्रदेश की जनता के लिए निराशाजनक रहा। प्रदेश की जनता को उम्मीद थी विकास पे बात करेंगे, हमारे पूछे सवालों पे जवाब देंगे, योजनाओं पे बात करेंगे और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कोई बड़ा पैकेज मध्य प्रदेश को देगी, कोई सौगात देगी। लेकिन हुआ क्या, पूरे भाषण में विदेश, असम, कश्मीर, कांग्रेस, 70 साल, ये कांग्रेस कोसू सम्मेलन बन के रह गया जो भाजपा का महाकुंभ था। इसमें विकास को लेकर कोई बात नहीं हुई, प्रदेश की प्रगति को लेकर बात नहीं हुई, प्रदेश में इन्होंने क्या किया उसको लेकर बात नहीं हुई। फिर एक बार झूठे सपने दिखाए, 5 साल बाद हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। पूरे प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीद थी, आज ठगी रह गई। वो 1.5 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी के अंदर 1.5 लाख लोग भी जुटे नहीं। बीजेपी ने इस सम्मेलन को दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन के तौर पर प्रचारित किया था, जिसमें राज्य के 65,000 बूथों से 10 लाख कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावा किया गया था। वहीं सूत्रों का कहना है कि SC ST एक्ट संशोधन को लेकर राज्य में लोग आंदोलनरत हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों ने इस सम्मेलन से किनारा कर लिया। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।